What's up guys, I hope you are doing well. I am Veer, welcome to Stellar Family. फैमिली नहीं आर्मी. एक्चुअली कल मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे आप लोग लेक्चर के एंड में लेक्चर कैसा लगा उसको आप लोगों को रेट देना है. इंडायरेक्ट में मैंने बोला कि आप लोगों को मुझको रेट करना है ताकि लेक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके. तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर आपने आज फैमिली बोल दिया, आर्मी अच्छा लगता है, जोश भरा रहता है. तो वैसे तो हम लोग फैमिली हैं पर आर्मी बोला करो, इसलिए मैंने आपके कुछ मार्क्स काट लिए. देखिए अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग चीज़ों को ढंग से एनालाइज करते हैं और अपनी लाइफ में भी कुछ कुछ ऐसा ही किया करो. जैसे मैंने बोला ना कि आप लोग लेक्चर देखने के बाद में वीडियो के एंड में आप लोग मार्क्स दिया करो कि हाँ आप लोगों को 10 में से अगर मैं नंबर देने के लिए बोलूँ तो इस लेक्चर को आप लोग कितने नंबर देंगे. पर्टिकुलर मैं अपने आपको नहीं बोल रहा हूँ, उस लेक्चर को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को क्या लगा कि इस लेक्चर में कौन सी अच्छी चीज रही, कौन सी कमियां रही जिसको इंप्रूव किया जा सके. तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं तो वो सारी चीजें जो मुझे लगेगी उनको इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी. जैसे पिछले टाइम में आप लोगों ने देखा होगा एडिटोरियल के ऊपर काफी लंबे समय से कई सारे बच्चे बोले थे कि सर ये बता दिया करेगी किस पर्टिकुलर टॉपिक से ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है. और भी कई सारे छोटे छोटे चेंज आप लोगों को नजर आए होंगे. तो ये सारे वो चेंज होते हैं जो आप लोग रिकमेंड करते रहते हैं वीडियो के नीचे, तो रिकमेंडेशन देते रहिए. वो सारी जो चीजें हैं वो मैं इंक्लूड करके चलता रहूंगा. तो इस तरीके से पैटर्न जो है वो अच्छा बना रहता है, आप लोगों का फीडबैक भी आता रहता है. तो हर एक लेक्चर को आप लोग रेट किया कीजिए कि 10 में से आप लोग इसको कितने मार्क्स दे रहे हैं, और जहां पर मार्क्स काट रहे हैं उसको बताइए भी कि कैसे आप लोग क्यों मार्क्स काट रहे हैं ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके. तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा काफी ज्यादा, और मुझे भी अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट करने का चेंज एक इंप्रूव करने का एक चांस मिलेगा. क्योंकि देखिए कोई भी इंसान जो है वो 100% बिल्कुल फिट नहीं होता है, ठीक है. जिंदगी ऐसी है कि आप लोगों को हमेशा अपने पाथ पर सीख कर बढ़ते रहना चाहिए. अगर आप लोगों को कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको गले लगा लीजिए. क्यों? क्योंकि वो आप लोगों को इंप्रूव करने का और मौका दे रहा है कि हाँ यार यहाँ पे तुम्हारे अंदर कमी है, आप लोगों को उसको इंप्रूव करना है. कभी भी क्रिटिसिज्म को नेगेटिव तरीके से मत लीजिए. अगर मैं नेगेटिव तरीके से क्रिटिसिज्म को लेता तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बैठा हुआ नहीं होता, ठीक है. ऐसे ऐसे भी लोग थे जो जिनके द्वारा बहुत गलत गलत तरीके से कमेंट किए गए कि क्या क्या चल रहा है, क्या हो जाता है, पता नहीं क्या क्या. तो चलिए जो भी है वो पता नहीं कहाँ चले गए, पर अपनी गड्डी जो है वो आगे चल रही है, ठीक है. तो कहने का मतलब ये कि जो भी आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो आप लोग देखेंगे उस क्रिटिज्म को कैसे लेना है. पहला लेक्चर देखिएगा जो मैंने पहला लेक्चर बनाया था, मेरा बोलने का तरीका, चीजों को डिस्क्राइब करने का तरीका, आप लोगों से इंटरेक्शन करने का तरीका, और आज का लेक्चर देखिएगा, ठीक है. तो आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगा. तो बहुत बड़ा इसका जो एक तरीके से इसमें बहुत बड़ा जो इसमें ये इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो एक क्रिटिसिज्म भी है. जैसे जैसे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कई सारे लोगों ने अच्छी बातें बताई कि सर इसको ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, तो वो इंप्रूवमेंट होता हुआ चला गया. मैं क्या करता हूं, जो मुझे लगता है कि रियलिटी में किसी ने जेन्युइनली बोला है कि हाँ ये चीज गलत है, मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूं तुरंत. तो उसको देखता हूं कि क्या चीजें इसमें है जो मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं, और जो चीजें ऐसी हैं कि वो आराम आराम से टाइम लेगा फिर उसको आराम आराम से इंप्लीमेंट किया जाता है. तो क्रिटिसिज्म को हमेशा पॉजिटिव लीजिए तो चीजें लाइफ में इंप्रूवमेंट होती हुई ऐसे चलेंगी कि यार आप लोग जब देखेंगे ना, आप लोग 6 महीने बाद या 1 साल बाद, आप लोगों को यार कसम से पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों की कितनी लाइफ जो है वो इंप्रूव हो चुकी है अब तक. तो ये फैक्ट है रियलिटी में. तो हमेशा अपने क्रिटिसिज्म को गले लगाइए और चीजों को आगे लेकर चलिए. और बड़ी ही प्यारी बात यहां पर बोली गई है, बोला गया कि जो अच्छी चीजें होती हैं, जो गुड थिंग्स होती हैं, टेक टाइम. यानी कि आप लोग अगर अपना बॉडी का फैट घटाना चाहते हैं, अगर कोई आदत को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा कि यार आज ही सोच ले और कल ही सारी चीजें हो गई. नहीं, ये जैसे जैसे चीजें खराब हुई हैं अब वैसे वैसे चीजें इंप्रूव करने में टाइम लेंगी. चीजें खराब होती रहती हैं तब तो आप लोग सोचते हैं कि यार चीजें जो खराब हो रही हैं वो एक तरीके से कितनी एक तरीके से उसको मतलब रोकते नहीं है, वो चलती रहती हैं. हेल्थ बेकार हो गई, फैट आ गया, या बीड़ी सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, कोई और बुरी आदत लग गई, चलती रहती है. पर जब ठीक करने की बात आती है तो पेशेंस खत्म हो जाते हैं कि यार ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों करते हो यार, कोई भी मां के पेट से सीख के नहीं आता है, यहीं पर ही चीजें बर्बाद किए तो यहीं पर ही सही करनी है. जब इतना टाइम बर्बाद करने में लिया कम से कम आधा टाइम तो उसको सही करने में, पर लेकिन पेशेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है. वेट बढ़ा लिया पूरा पिछले 8-10 महीने में, 8-10 साल में, पर लेकिन खत्म करना है वो करना है बिल्कुल 1 महीने में, ऐसा थोड़ी ना होता है. तो इस तरीके से तो आप लोग बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दोगे. तो पेशेंस रखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है. एक वीडियो बना रखी है मैंने कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है. मैंने उस पर बोला था कि जिस दिन आप लोग ये वीडियो देखो उसी दिन उसके नीचे कमेंट करो कि हाँ आज से मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो फिर उसको आगे फॉलो करने स्टार्ट करो. पर लेकिन बहुत सारे बच्चे उसको बीच में छोड़ देते हैं. तो ये चीजें छोड़नी नहीं होती है, कॉन्टिन्यूसली चलते रहना होता है, तभी लाइफ आप लोगों की आगे बढ़ेगी, वरना पीछे छूट जाओगे रेस में और पता भी नहीं चलेगा. तो ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज की डेट में पेशेंस की कमी होती जा रही है बहुत जगह. मैंने देखा है कई सारी चीजें ऐसी देखी हैं अपनी लाइफ में भी कि जहां पर ये दिखता है कि यार इंसान को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, बस अब तो खत्म हो गई है सारी चीजें. एक रे ऑफ होप होती है ना जिसको आशा की किरण बोलते हैं, वो जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है अगर जिंदगी में एक सही पोजीशन पर आप लोग पहुंचना चाहते हैं. पेशेंस यानी कि इसको धैर्य बोलते हैं, ठीक है. तो वो जो धैर्य होता है वो जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप लोगों के पास में वो नहीं होगा
तो जिंदगी जो है वो आप लोगों को बिल्कुल ही एक अलग पायदान पे खड़ी हुई आप लोगों को नजर आएगी, जो आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। और अगर धैर्य होगा तो वो ऐसी जगह खड़ी हुई मिलेगी कि आप लोग उसको भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि या वाह यार इतनी शानदार जिंदगी हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। बाकी एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो नैनो मैगजीन की कंप्लीट अप्रैल की और इसी के साथ में द हिंदू की जो कंप्लीट अप्रैल की पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी आप लोगों के लिए टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम कौन सा है, ये है वीर तालियान स्टडी लवर वीर, जो मैं वहां पर कंटिन्यूसली उनको मेल कर रहा हूं। तो वहां से देखते हैं क्या जल्दी वो चैनल जो है वो रिस्टोर होता है या नहीं होता है। अभी वहां से कोई मुझे प्रॉपर जो है बैक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, पर हाँ ये इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर अभी फिलहाल आप लोगों के लिए कि सारी पीडीएफ जो है अगर वो चैनल नहीं आता है तो सारी पीडीएफ एक वीक के अंदर अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। इवन पॉलिटी की भी सारी पीडीएफ जो आप लोगों की वहां पर पड़ी हुई थी जितनी भी पीडीएफ है, तो अभी आज संडे है, नेक्स्ट संडे तक कोशिश करूंगा अगर मुझे जितना टाइम मिलेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा भी लग सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वो इकट्ठी करनी है सारी। ठीक है, तो फिर उनको अपलोड करने तो आराम आराम से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। रिवीजन की वीडियो आप लोगों की सारी पीडीएफ यहां पर आ चुकी है ऑलरेडी, ये आ चुकी है आप लोगों के पास में अप्रैल की। इसी के साथ में पूरी एक साल की प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को नैनो की और हिंदू की भी यहां पर पीडीएफ, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। वीर तालियान के नाम से ये ऑफिशियल लिखा हुआ है और एक अकेला टेलीग्राम चैनल है, अभी कई सारे फेक बन गए स्टडी लवर वीर के नाम से भी, वीर तालियान के नाम से भी, क्योंकि लोग जो हैं वो ऐसी चीजों का फायदा उठाते हैं। अगर कहीं कुछ किसी को नुकसान हो रहा था ना, जैसे किसी को दवाई की जरूरत है, सिलेंडर की जरूरत है, तो लोग क्या करेंगे उसकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। तो अभी हमारा जो चैनल ये टर्मिनेट हो रखा है तो इसकी मजबूरी का फायदा कई सारे लोग उठा रहे हैं, तो कई सारे फेक चैनल बन गए, तो उनसे अपने डिस्टेंस बनाकर रखिएगा। और अच्छी चीजें जो है वो देखिए टाइम लगता है पर होती जरूर है। ठीक है, चैनल मुझे यकीन है, देखते हैं आएगा जरूर, जहां तक मुझे यकीन लग रहा है। ठीक है, ये मेरा मतलब अंदर से जो है क्यों होता है कि इंसान को लगता है कि यार कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि दूसरों की हेल्प करने के लिए वहां पे डाला, मैं कोई रिवेन्यू तो वहां से कमा नहीं रहा था, तो इसलिए वो एक ऐसी चीज होती है अंदर से, एक इंट्यूशन आती है कि यार जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे सही होगा, अब बाकी देखते हैं कि मेरा विश्वास कितना रंग लाता है। बाकी अगर जो भी है मतलब होप करेंगे अच्छे के लिए, ठीक है, कहते हैं कि अच्छे के लिए आशा रखनी चाहिए हमेशा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आज के डेट में अगर बात करें कोविड 19 के केसेस के बारे में, तो कई सारी सिचुएशन आप लोगों को देश के अंदर देखने को मिलेगी। पहले तो ये समझिए कल जो केस है वो कितने आए, तो कल जो केस है वो 3.92 लाख केस हमारी कंट्री में देखने को मिले, जिसमें 3673 लोगों की जान चली गई। तो ये नंबर ऑफ केसेज जो है वो 3.5 और 3 के आर पार पहुंच रहे हैं। एक स्टडी सर्वे में ये बोला गया था कि ये केस जो है मिड मई में जब आप लोग पहुंच जाएंगे, यानी कि मई के महीने के जब बीच में आप लोग होंगे, ये 7-7, 8-8 लाख भी केस आ सकते हैं। क्या ऐसा कुछ होगा देश के अंदर, तो वो चीजें हमको बाद में देखने को मिलेगी। फिलहाल सबसे ज्यादा जो केस हैं वो आप लोगों को महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं, नॉर्मल तरीके से जो पैटर्न चल रहे हैं, तो महाराष्ट्र भी टॉप पर बना हुआ है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, और कल जो है केरला यहां पर तीसरे नंबर पर देखने को मिला। नंबर ऑफ डेथ में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र टॉप पर है, उत्तर प्रदेश यहां पर दूसरे नंबर पर है नंबर ऑफ डेथ में, तो आप लोग यहां पर ये काफी सारे लोगों की जान जाती हुई नजर आ रही है, खासकर पॉपुलेशन ज्यादा है उत्तर प्रदेश की आप लोग समझ सकते हैं, तो उसकी वजह से भी ये रीजन काफी बन जाता है। ठीक है, तो अब तक बात ये की जा रही है कि कोविड 19 की वजह से जो सिचुएशन है वो ग्रेव होती जा रही है कंट्री के अंदर में, पर लेकिन कई सारी कंट्री जो है आप लोग ये देखें, हमारे देश में जब हमारे नागरिक थे वो दूसरे देश में थे, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काफी अच्छा स्टेप उठाया गया, तो एक स्कीम चलाई गई थी, अभी मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट की थी आप लोग डिस्कस की थी। ठीक है, वी से उसका नाम बनता है, चलिए नाम बताइए, देखता हूँ किस किस को याद है। वो जो स्कीम चलाई गई थी उसमें हम लोगों ने अपने देश के लोगों को दूसरे देश से निकालकर अपने देश में लेकर आए थे, तो ये होता है अपने देश के लिए जो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया वो अप्रिशिएट करने लायक मूव था। पर लेकिन अगर देखें यूएसए के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि कोई भी इंडिया से ट्रेवल नहीं करेगा यूएसए के अंदर में। ठीक है, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया ने तो एक स्टेप और आगे बढ़ गए, उन्होंने बोला अगर कोई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के अंदर वापस आता है 5 साल की जेल होगी उसको, और $66,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो फाइन लगाया जाएगा। यानी कि इंडिया में अगर हो और आप लोग वहां पे रह रहे हो तो वहीं पर ही रहो, चाहे वहां पर कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, आप लोगों को यहां पर आने पर यह खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो एक ये वाली कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा देश हमारा है और हमेशा बेस्ट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर स्पुतनिक 5 ये दवाई किसकी है, ये यूएसए की, तो यहां पर ये इंडिया में लैंड की है, यहां पर 1.5 लाख डोजेस, तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में अभी जितने ज्यादा लार्ज स्केल पर दवाइयां मिलती रहेंगी उतनी सिचुएशन नॉर्मल होती आप लोगों को नजर आएगी। तो डॉक्टर जो रेडी हैं, लेबोरेटरीज वो मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर दवाई को बनाने के लिए। ये रशिया की दवाई है स्पुतनिक 5 जो दवाई है यहां पर, तो उसके यहां पर ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। कंट्री में क्राइसिस तो आप लोगों को देखने को मिल ही रहे हैं, अभी रिसेंटली 12 लोगों की और जान चली गई दिल्ली के अंदर में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर यहां पर 14 लोगों की जान चली गई। ये सारी जो लोगों की जान जा रही है ये ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से यहां पर जान जा रही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा वॉर्न भी किया गया यहां पर
कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा अगर प्रॉपर वे में आप लोग यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले बोला गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट का जो ये एक्टिव रुद्र रूप सामने आ रहा है निकलकर, ये जरूरी है एक इस पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फायदा पहुंचाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और एक इंपॉर्टेंट यहां पर आर्टिकल है, काफी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंट्री में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसी के बेस पर स्टेट डिजास्टर जो मैनेजमेंट एक्ट है उसी के अंदर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। तो यानी कि अगर कोई डिजास्टर, कोई महामारी अगर देश के अंदर कहीं देखने को मिलती है, स्टेट के अंदर देखने को मिलती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड देती है और ये फंड जो है इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नॉर्मली दी जाती थी हर साल, तो वो जून के महीने में दी जाती थी, पर लेकिन अब की बार ये जो इंस्टॉलमेंट दे दी गई है ये अभी यहां पर देने की बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ये है कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ये किसके द्वारा रिकमेंड की जाती है, ये इंस्टॉलमेंट रिकमेंड की जाती है यानी कि जो पैसा दिया जाता है स्टेट को, ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। तो 8,873 करोड़ रुपए यहां पर देने की बात की जा रही है और ये एक एनुअल एक्साइज है जो कि जून में होता था नॉर्मली, ठीक है। अब ये जो स्पेशल जो पैसा है यहां से, जो यहां से निकल कर जाता है वो कहां से निकल कर जाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, यानी कि रिकमेंडेशन देगी यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, याद रखिएगा। फिर आप लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन कहां से बन गया, तो भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और पैसा देता कौन है, वो देता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल जो यहां पर एक्सपेंडिचर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, किसकी रिकमेंडेशन पे, होम मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल का जो यहां पर सेंटर जो शेयर देता है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अंदर में, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी 2021-2022 के लिए ये सारे स्टेट्स को यहां पर दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें स्टेट के पास में जब से पैसा पहुंचता है वो फिर उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। और इसी के साथ में यहां पर ये नॉर्मली जून में दिया जाता था, क्यों, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी कि जून में ये पैसा दिया करो कि कैसे कैसे पैसा शेयर करना है। पर लेकिन अभी फिलहाल जो है उस रिकमेंडेशन से हटके माहौल को देखते हुए ये थोड़ा चेंज यहां पर आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर या फिर आप लोग जो वेंटिलेटर की बात करें, एयर प्योरीफायर की बात करें, दवाइयों की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी रिक्वायरमेंट है और यहां पर स्टेट जो है वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो ये जरूरी है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और उत्तर प्रदेश जो है इनको फर्स्ट COVID-19 से जो रिलेटेड अभी यहां पर प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, तो यहां पर सबसे ज्यादा पैसा दिया जा रहा है यहां पर फिलहाल अभी महाराष्ट्र को, ये है यहां पर 1,288 करोड़ रुपए दिए गए। फिर यहां पर जो पैसा दिया जा रहा है वो है फिर कर्नाटका के लिए 316 करोड़ के करीब देखने को मिलेगा। फिर है यहां पर 125 के लिए केरला को और 773 के करीब है उत्तर प्रदेश को। नॉर्मली आप लोग बोलेंगे कि पैसा कैसे दिया जाता है, तो उसके बारे में भी इनके द्वारा बताया गया कि पैसा किस बेसिस पर यहां पर दिया जा रहा है। एलोकेशन टू ईच स्टेट डिपेंड ऑन इट्स पॉपुलेशन, पहला तो है पॉपुलेशन की कैसी कितनी पॉपुलेशन है वहां पर, तो ये पहली स्टेटमेंट बोली गई है। दूसरा क्या है यहां पर कि पहले साल में आप लोगों को कितना पैसा दिया था, आप लोगों ने कितना यूटिलाइज कर लिया है, तो उसके बेस पर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि मैंने आप लोगों को बोलूं कि मैंने आप लोगों को पहले साल जो है सारी पीडीएफ दी है, ठीक है, और उन पीडीएफ को आप लोगों ने इकट्ठा किया, आप लोगों ने कोई एग्जाम दिया, तो आप लोगों ने किस तरीके से आप लोगों का रिजल्ट निकल कर आया, तो आप लोगों का रिजल्ट देखो कि आप लोगों ने ढंग से रिविजन किया है नहीं किया है, आप लोगों ने ढंग से चीजों को फॉलो किया है। जिस जिसने अच्छे से फॉलो किया है उसको आपकी बार पीडीएफ दे दो, और जिसने अच्छे से फॉलो नहीं किया उसको पीडीएफ ना दूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि आप लोगों की परफॉर्मेंस देखकर आप लोगों को एक तरीके से एक सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको फायदा नहीं है परफॉर्मेंस देने, उसको चीज देने का जो कि उसको रिसोर्सेज को बेकार कर दे, यानी कि उसको यूज ही नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहा है। एक बच्चा है जिसको किताबों की जरूरत है, उसको किताब दे दी मैंने, वो उसको दबाकर पढ़ रहा है, अपना सिलेक्शन लेकर चला गया। एक ऐसा भी बच्चा है जिसको मैंने किताबें दी और वो जो है उन किताबों को बेचकर उसमें से कुछ और अपना कुछ पैसे लेकर उनका पता चला वो बीडी सिगरेट पी रहा है बैठकर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा बहुत बड़ा। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा कि रिसोर्सेज किसके पास में जाना चाहिए, तो ये जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहीं पर ये बात की जा रही है कि नॉर्मली सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है इसके अंदर में। देखिए अगर बात करें आप लोग स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर जो सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है 75%, यानी कि जितना भी पैसा होता है 75% सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। बाकी के कुछ ऐसे स्टेट है जैसे नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम हो गया या फिर उत्तराखंड हो गया ये यहाँ पर, ठीक है, या हिमाचल प्रदेश हो गया या जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो इनके अंदर 90% तक जो पैसा जाता है ये डिजास्टर के अंदर ये यहां से जाता है, क्योंकि इनमें कई बार अलग अलग तरीके के डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। कभी बर्फ जो है खिसक कर आ गया, ठीक है, कभी आग लग गई, तो और भी कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल था जिसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन पैसा दे रहा है, किसकी रिकमेंडेशन पे दे रहा है, पैसा कब यहां पर रिलीज किया जाता है, अभी यहां पर कौन कौन किसना कितना शेयर रहते हैं। तो ऐसा एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है, ठीक है।
बाकी यहाँ पर अभी गुजरात के अंदर एक हॉस्पिटल में आग लग गई। आप लोग बोलोगे सर ये आग क्यों लग जाती है, आग इसलिए लग रही है क्योंकि जो सिलेंडर है ना, ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, कई बार इनमें लीकेज देखने को मिलती है, और कभी भी अगर आग लगती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो आग वहां पर खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कहीं आग लग जाती है तो बोलते हैं कि उसके ऊपर कंबल डाल दो, उसके ऊपर रेत वगैरह डाल दो, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, ये यहां पर एक तरीके से जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जो मिल रही होती है जिसकी वजह से आग बढ़ रही होती है, उसको रोकने का काम करते हैं। तो इसीलिए यहां पर ये यूज किया जाते हैं। तो अभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जा रही है, और आनन फानन में कई बार जो सिलेंडर है उनमें से यहां पर जो लीकेज देखने को मिल रही है उसकी वजह से कई बार आग लगती है, आप लोगों को नजर आती है। और भी कई सारे रीजन होते हैं जो कि यहां पर सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखकर अगर बात करें तो, ठीक है। यूएसए के द्वारा इंडिया की हेल्प करने की बात की गई, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो यूएसए के द्वारा यहाँ पर लगभग 100 मिलियन के करीब असिस्टेंस हम लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो डैनियल स्मिथ है उसको इंट्रीम इनवॉय बनाया गया हमारी कंट्री में, जैसे एम्बेसडर नहीं होते हैं हमारी कंट्री के, ऐसे यूएसए का इंट्रीम यानी कि शॉर्ट टर्म का एम्बेसडर आप लोग इनको बोल सकते हैं। रीजन क्या है, जो बाइडन ने पैसा जो दिया है वो देखना भी तो चाहेंगे कि पैसा कैसे कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कहां कहां पर पैसा जा रहा है। अभी हमारी कंट्री में जो दिल्ली एम्बेसी है यहां पर अभी यूएसए की, उसमें अभी कोई एम्बेसडर इनके द्वारा अपॉइंट नहीं किया गया है। तो ये इंट्रीम तरीके से है, जैसे इंट्रीम तरीके सीबीआई के चीफ बना देते ना हमारी गवर्नमेंट कि हाँ चलो कोई नहीं परमानेंट नहीं बनाते हैं, इंट्रीम से काम चला लेते हैं, तो वो चीजें यहां पर बोली जा रही है। रिकॉर्ड जीएसटी अभी देखने को मिला हमारी कंट्री में, जिसके बारे में बात करें तो ये अप्रैल के महीने में 1.41 लाख करोड़ रुपए यहां पर पैसा इकट्ठा किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक यहां पर ये आप लोगों के लिए पॉलिटिकल ये चैप्टर है, जाकर इसको रिवाइज कीजिएगा, बहुत डिटेल में मैंने कई सारी चीजें डिस्कस की है। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहां पर भी दूंगा। जीएसटी जो काउंसिल होती है हमारी कंट्री में वो बेसिकली डिसाइड करती है कि ये पैसा जो है ये कैसे कैसे चलना है, रेट वगैरह है कि वो कैसे कैसे डिसाइड कर रहे हैं, पर लेकिन ये सारी चीजें आई कहां से है, तो ये भी मैंने उसी वीडियो के अंदर आप लोगों को पढ़ाया। हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया 101 अमेंडमेंट, ठीक है, 2016 में। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया इसके चलते हमारे संविधान में चेंज करके नया एक्ट ऐड किया गया, जिसको आप लोग बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी कैसा एक्ट है यहां पर, ये कैसा टैक्स है यहां पर, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि आप लोग डायरेक्ट पे नहीं करते हैं। अगर आप लोग खरीद कर लेकर आते हैं एक पेन या कॉपी, उसके ऊपर आप लोग मान लीजिए टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप लोग दुकानदार को पैसा दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स आप लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो 101वां संविधान में संशोधन किया गया, तो यहां पर 101 जो संविधान में संशोधन किया गया 2016 में, तो उसके चलते आर्टिकल 279A यहां पर ऐड किया गया। यहां पर बेसिकली इसकी बात अगर करें, जिस भी आर्टिकल के सामने मैंने आप लोगों को बोला था ए लिखा हो कैपिटल बी लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि इसमें अमेंडमेंट करके ऐड किया गया, ठीक है। तो यहां पर ये 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है हमारी कंट्री में, जिसके चलते जो यहां पर काउंसिल है जो कि जीएसटी काउंसिल है, जिसको आप लोग आज के में गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट की गई, तो इसी से निकल कर आई यहां पर ये। तो जीएसटी काउंसिल जो है पूछा आप लोगों से, तो 101वां संविधान संशोधन करके इसको ऐड किया गया, ताकि इफिशियंटली और स्मूथ तरीके से जो टैक्स है सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसे लेकर चलें, कैसे कैसे टैक्स की स्लैब रखनी है, वो सारी चीजों को ढंग से लेकर चला जा सके। कंसल्टेशन प्रोसीजर देखने को मिलता है इस काउंसिल के अंदर, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये जो काउंसिल है इसमें आप लोग को सेंट्रल और स्टेट दोनों देखने को मिलेंगे। जो कोरम होता है टोटल इसमें 50% मेंबर होने चाहिए अगर मीटिंग को आगे लेकर चलें, और मैक्सिमम जो पावर दी गई है यहां पर स्टेट के अंदर दी गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि 2/3 पावर यहां पर स्टेट के हाथ में, और 1/3 जो वोटिंग पावर है यहां पर ये सेंटर के हाथ में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा होगा, पर लेकिन वैसा होता नहीं है, उसके पीछे एक रीजन है। पता है क्या, आज के में जो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में होगी मैक्सिमम स्टेट में भी उसी गवर्नमेंट उसी मतलब उसी पार्टी की गवर्नमेंट होगी। जब स्टेट में मैक्सिमम उसी पार्टी की गवर्नमेंट है और वो जीत कर आ गए, तो फिर यहां पर जो जीएसटी काउंसिल होगी उसमें भी यहां पर इन्हीं की मेजोरिटी होगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली वही चीजें हो जाती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि स्टेट में भी वही है, और स्टेट वाला कोई भी नहीं चाहेगा अपनी सेंट्रल पावर अथॉरिटी के खिलाफ में जाकर काम करें, तो वो यहां पर सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। हर एक डिसीजन जो है यहां पर ये बेसिकली 3/4 मेंबर जब यहां पर सहमत होते हैं तो उससे लिया जाता है, तो ये एक अच्छा स्टेप आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। इनके द्वारा डिसाइड किया गया था कि क्या क्या होना चाहिए यहां पर, तो 0% रेट होना चाहिए, 5% होना चाहिए, 12%, 18%, 28, और इसी के साथ में 28 के ऊपर भी सेस लगता है, जिसे जिस तरीके से नहीं टैक्स ऑन टैक्स लग जाता है, तो यानी कि एक तरीके से ये पर्टिकुलर सेस भी लगाया जाता है चीजों को इंप्रूव करने के लिए, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ से सेस लगा दिया वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा टैक्स स्ट्रक्चर।
एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर अभी बता देता हूं, हमारी कंट्री में जो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेटर है, यानी कि एक तरीके से जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर वगैरह है उनके ऊपर जो अभी फाइन लग रहा था, यानी कि फाइन नहीं सॉरी जो टैक्स लग रहा था, ये 28% था, अभी उसको घटाकर 12% की कैटेगरी में ला दिया गया। तो ये एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये एक सैल्यूट करने वाला स्टेप है, पर लेकिन थोड़ी सी चीजें ये हो जाती है कि देर में बात आई, ठीक है। इतने दिनों से महामारी चल रही है, अब तक यहां पर ये स्टेप उठाया जाना चाहिए था, पर लेकिन उठाया नहीं गया। तो ये देर वाली जो बातें होती है ना, उन्हें कहते हैं कि अगर आप लोग जस्टिस होता है, जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिनाई, यानी कि अगर आप लोगों ने न्याय प्रोवाइड कराने में देरी कर दी तो फिर दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे लोगों की जान चलेगी, तब यहां पर गवर्नमेंट जग रही है। तो लेट हो रहा है, पर लेकिन चलो ये नहीं, वो भी कहते हैं कई बार इसका दूसरा भी पॉजिटिव अगर पहलू देखना हो तो ये भी बोल देते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो वो भी बात आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए, जो भी बात है इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, पता होना चाहिए बेसिकली चल क्या रहा है, ठीक है। तीन तरीके के टैक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, एक को बोलते हैं स्टेट जीएसटी और एक को बोलते हैं इंटीग्रेटेड, जो बेसिकली देखने को मिलेगा जीएसटी, ठीक है। तो सेंटर वाले में बात करें तो यहां पर सेंटर होता है बेसिकली सेंट्रल जीएसटी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये होता है इंटीग्रेटेड जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो टैक्स होता है ये बेसिकली विद इन स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये जो टैक्स होता है ये अप्लाई किया जाता है विद इन स्टेट, कलेक्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा, और ये जो आईजीएसटी होता है ये कलेक्ट जो होता है इसका शेयर जाता है सेंट्रल स्टेट के बीच में, ठीक है। तो ये आईजीएसटी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, जो टैक्स कलेक्शन होता है वो शेयर किया जाएगा सेंटर के साथ में, यहां शेयर किया जाएगा स्टेट के साथ में, और यहां दोनों शेयर करेंगे। तो ये कुछ कुछ ऐसा आप लोग यहां पर इसका फंडा देखने को मिलेगा, ये भी मैंने डिटेल में यहां पर इसे पढ़ाया। तो बाकी की और बहुत सारी चीजें वो यहां पर पूरा लेक्चर तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा अभी यहां पर, क्योंकि फिर चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये एक्स्ट्रा लेक्चर इसीलिए बनाता हूं ताकि अगर किसी को डाउट हो और ज्यादा डिटेल में जानना है तो इसको जाकर आप लोग देख लेना, लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर भी आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बात की जा रही है। नेक्स्ट, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया अभी रिसेंटली कि जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो पंचायत पोल की जो काउंटिंग चल रही है उसको रोकने की बात की गई थी, क्योंकि आनन फानन में हो सकता है कि अगर गांव में भी काफी लार्ज स्केल पर केसेस पहुंच गए तो काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल जाएगी। एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा, आज के दिन बहुत सारे लोग यार हैं जिनकी जान जा रही है, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे जो नियर डियर वन है उनमें अभी रिसेंटली मेरे ताऊजी थे, मतलब एक जैसे कुनबे में नहीं होते हैं उस तरीके से, तो बीमार भी चल रहे थे कुछ दिनों से, तो अभी रिसेंटली उनकी डेथ होगी। अभी मेरी बुआ जी थी, ठीक है, उनको भी थोड़ी बहुत मतलब बीमारी चल रही थी, एज हो रखी थी, पर लेकिन वो है कि अभी बीमारी जो है वो कोविड 19 और जल्दी मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। तो यार ये जो चीजें चल रही है ना, ये आप लोग भी फेस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं किसी के बाबा की डेथ हो गई, किसी की दादी की डेथ हो गई, ठीक है, घर में किसी ने किसी की डेथ हो गई। तो ये जो जो खासकर जो लोग जिनको थोड़ी बहुत बीमारी है प्रॉब्लम है उनको ये अपनी चपेटे बहुत ज्यादा ले रही है, ठीक है। तो एक तो बात मैं यहां पर ये बोलना चाहूंगा कि जो ठीक ठाक अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, जिनकी हेल्थ वगैरह अच्छी है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मतलब एक तरीके से आप लोग एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, क्योंकि जिनको बीमारी है उनको ये बीमारी जो है वो लेकर जा रही है। तो जो खासकर बीमार है उनका थोड़ा सा और ज्यादा केयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर उनको एक बार कोई बीमारी लग जा रही है तो फिर ये नहीं छोड़ रही है यार। मतलब बहुत सारे अभी रिसेंटली देख रहा हूँ, अभी एक दोस्त भी था अभी रिसेंटली, उसने भी खोल किया कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया यार, ठीक है। पर लेकिन इस टाइम पर कई सारी सिचुएशन ऐसी भी आती हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्प भी मांग रहे हैं, पर यार देखो मैं भी एक मतलब एक लिमिटेड ही है, ऐसा तो नहीं यार, मतलब मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अभी कभी कभी ऐसा लगता है यार ऐसी जगह आकर ना, जब कोई ऐसी माहौल बन जाता है, सिचुएशन बन जाती है, कभी कभी अंदर से ऐसा फील आता है कि यार पैसा ना बहुत ज्यादा होना चाहिए इंसान के पास में। अभी एक फ्रेंड था, उसने बोला कि यार कुछ पैसों की इतना अरेंजमेंट हो जाएगा क्या, और अमाउंट भी जो था वो अच्छा खासा था। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। अभी रिसेंटली बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, उनकी भी मैंने कहा थोड़ा बहुत इस तरीके चलते रहते हैं, तो सेविंग जो है यार इतनी है ही नहीं है, तो किस तरीके से मतलब क्या चीजें की जाए। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इतना पैसा होना चाहिए ना इंसान के पास में, अगर मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि मेरे पास में इतना पैसा होना चाहिए कि जो भी मुझे बोल दे कि यार थोड़ी हेल्प कर दो तो मैं एकदम तुरंत उसकी हेल्प कर दूं, उन्हें कि अलादीन का चिराग होना चाहिए पास में। पर लेकिन ये चीजें सोचकर अच्छी लगती है, पर रियलिटी में देखो तो नॉर्मली कहते हैं ना कि पैसा बुरा है, पैसा बुरा है। यहां पर पैसा याद आता है जब कोई प्रॉब्लम होती है, अपना कोई हॉस्पिटल में जाकर अगर है तो वहां पर पैसों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो वो वाली जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर देती है, ठीक है, कि यार कम से कम अगर अब पैसा होता तो उस इंसान की हेल्प कर पाता। तो ये सारी चीजें कई बार इरिटेट भी कर देती हैं। बहुत सारे मेल आते हैं यार, बहुत सारे मेल पढ़ने के बाद में मुझे समझ में नहीं आता क्या रिप्लाई करूं। आप लोग भी बोलते होंगे सर रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं, बहुत सारे कमेंट होते हैं उनको पढ़ के इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि मतलब मैं गवर्नमेंट नहीं हूं यार, मेरे पास में कहां से लाऊंगा मैं, आप लोग ही बताइए, ठीक है। तो एक चीज है, बस लिमिटेशन बन जाती है, हाथ बन जाते हैं कई जगह आकर,
पर हाँ ये है कि जो जेन्युइन लोग हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, पर लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारी फेक चीजें भी चल रही हैं। तो अपनी मेहनत की कमाई जो है ऐसे ही आप लोग बेकार मत कर दीजिएगा, देखकर चीजों को कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कई सारी उल्टी सीधी हरकतें भी मार्केट में देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी वो बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। कई सारे बच्चों के मेल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो कम से कम आप लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ गलत चीजें भी हो रही हैं पर लेकिन कुछ जेन्युइन भी हैं। तो जब आप लोगों को लगता है जेन्युइन है तो थोड़ा बहुत हेल्प जितना आप लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं, पर लेकिन देखकर कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज जो है फ्रॉडबाजी ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि दवाइयां बेची जा रही है नकली तरीके से, अलग अलग तरीके की हरकतें देखने को मिल रही हैं। तो ये ऐसे ऐसे इतने सारे केसेस आज के डेट में आ रहे हैं जिनके बारे में कुछ कहना भी मुश्किल होगा, ठीक है। मतलब हर एक इंसान जो है वो अपनी रोटियां सेकने में पड़ा हुआ है। ऐसी जगह भी देखिए, यहाँ पर दो लोगों को अरेस्ट कर लिया, फेक जो यहाँ पर रेमडेसिविर की दवाइयां बेच रहे थे, ठीक है। तो एक कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, और 35,000 रुपए के पर डोज यहाँ पर ये दे रहे थे। तो आप लोग समझिए कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले कितने सारे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग की क्या कंडीशन चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता था, जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट टीचर को डिसमिस कर दिया गया, क्या ऐसी पावर होती है? जी हाँ बिल्कुल है, आर्टिकल 311 यहाँ पर ये पावर देता है, विदाउट इंक्वायरी यहाँ पर उनको डिसमिस किया गया। तो आर्टिकल 311 का जो सेक्शन 2 है, क्लोज 2 है, वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि सिक्योरिटी रीजन के पॉइंट ऑफ से कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर होती है, अगर वो सेटिस्फाई है यहाँ पर तो पर्सन को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। ये बकायदा आर्टिकल 311 की सब जो क्लोज 2 है उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। तो आर्टिकल 311 है, इसलिए मैं कहता हूँ सारे आर्टिकल रटने नहीं है। अगर आप लोगों से अब यहाँ पर कोई आर्टिकल पूछेगा तो ये वाला आर्टिकल कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो जो न्यूज में होते हैं, आर्टिकल्स हो गए, नेशनल पार्क हो गए, कोई भी ऐसी चीज वो जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है, वो आप लोगों को याद रखनी है, ना कि सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो माइंड है तो उनको भी पता है यार, वो सारी चीजें आप लोगों से नहीं पूछेंगे फालतू की, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो मैंने न्यूज अभी आप लोगों यहां पर बताई, इसमें एक और छोटी सी बात, यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है किसको डिफर करने से। तो आप लोगों से एक आर्टिकल जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, हमारे संविधान में आप लोग जाएंगे तो पार्ट 15 में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है। तो इसीलिए चलते हमारी कंट्री में याद होगा आप लोगों कि 25 जनवरी हम लोग ये डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के चलते आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये यहां पर आर्टिकल है। तो इसमें आर्टिकल 329 जो है वो बार करता है यहां पर इंटरफेरेंस करने से कोर्ट इन जो इलेक्ट्रोल मैटर होते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट एक बार को उसमें एंट्री कर गया तो फिर वो चीजें ऐसी होती हैं कि वो लंबे समय तक फिर नहीं टिक पाएंगी। और जो ऐसी न्यूज होती है ना, उसको आप लोग कई बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर मोबाइल वगैरह में या फिर लैपटॉप में आप लोग देख रहे हैं, ताकि आप लोग जब भी रिविजन करने का टाइम है तो तुरंत आप लोग उस चीजों को रिवाइज कर सके, क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन हो रहे हैं तो आने वाले टाइम में क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इलेक्शन से रिलेटेड। तो ये चीजें आप लोगों के मोबाइल में पड़ी रहेंगी, तो तुरंत तुरंत आप लोग उनका रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट, यहां पर गुरुग्राम में भी शॉर्टेज पड़ गई यहां पर, ये बेसिकली ऑक्सीजन सिलेंडर की। और हाँ, जो ये बोल रहे हैं कि यूपीएससी का एग्जाम डिफर हो सकता है क्या, तो उनके लिए यहां पर ये आप लोग न्यूज देख सकते हैं, चांसेस बहुत कम है यहां पर, क्योंकि अभी ड्यू के द्वारा डिफर कर दिए गए फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो बोला गया कि जो एग्जाम अभी होने वाले थे वो अब बोला गया कि 1 जून से होंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा बोला गया, और आप लोगों का पेपर कब है? 27 जून को। तो बहुत कम चांसेस हैं कि प्रीलिम्स जो है वो डिफर हो जाए, तो वो आप लोग बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन रखिए, कभी किसी और उसमें आप लोग नहीं किसी और वो क्या कहते हैं किसी और गुलामे में था, चीजों को नजरअंदाज कर गए, किसी और गुमार में था, ठीक है। उन्हें सूर्यवंशम मूवी जब उसको खीर खिला के आता था और उसको केड़े की महक नहीं पहचान पाता है, तो वही बातें हैं कि किसी और गुमार में चीजों को नजरअंदाज मत कीजिएगा, अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखिए, वो भी प्रॉपर वे के अंदर, ठीक है। और हाँ, जो रिविजन की वीडियो थी आप लोगों की, जो मैंने बोलता है ना रिविजन की वीडियो आएगी, ठीक है, तो वो जो रिविजन की वीडियो है अप्रैल के महीने की, वो कल मॉर्निंग में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। मॉर्निंग में 11 बजे चाहिए, या फिर आप लोगों को या आज इवनिंग में चाहिए, या फिर कल इवनिंग में चाहिए, तो कब चाहिए आप लोग बता दीजिएगा उस वीडियो को, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो जहां भी आप लोगों को सुटेबल लगे, आज इवनिंग में अगर आप लोगों को लगता है इवनिंग में चाहिए तो इवनिंग में प्रोवाइड करा दूंगा 4-5 बजे, पर मुझे लग रहा है कि मॉर्निंग में अगर रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आप लोगों के लिए और भी शेड्यूल रहते हैं, ठीक है, बता दीजिएगा। चलिए, जैसे भी आप लोग कमेंट बताएगा, जो भी मुझे ज्यादा लगेगा उसके हिसाब से काम कर लेंगे। यूएसए के द्वारा क्लियर कर दिया गया यहाँ पर 6P8I जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। खरीदे तो गए थे हमारे द्वारा 10 पर, लेकिन पैसे की कमी की वजह से इसको 6 कर दिया गया है अभी यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है कि ऐसी ऐसी चीजें हम लोग कहीं से खरीदते हैं तो किसके बेस पर खरीदते हैं, कौन रिकमेंडेशन देता है? तो हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर काउंसिल होती है जिसको बोलते हैं डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल, जिसको DAC बोला जाता है। तो बोले कि ये किसकी मिनिस्ट्री के, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो डिफेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। तो ये एस्टिमेशन की जो डील थी यहाँ पर 2.42 बिलियन की यहाँ पर डील देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा याद रखिएगा। बाकी तो यूएसए से बहुत सारा दुनिया भर का सामान हम लोग खरीद रहे हैं, तो ये रटने वाला नहीं है,
क्योंकि वो सारी रिक्वायरमेंट है तो उनको हम लोग लेते रहते हैं। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट का तो पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट यहां पर किस तरीके से चीजों को प्रोवाइड करा पाएगी, पर प्राइवेट हॉस्पिटल ने जो 80 प्लस के लिए अभी बात करें तो वैक्सीन देना स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये यहां पर आप लोग देखते हैं, तो कई सारे राज्य जो हैं अभी यहां पर अभी जूझ रहे थे कि कैसे पैसा आएगा, कैसे काम चलेगा, तो एक अलग चीज है यहां पर अभी। तो ये इस तरीके से बोला गया है। यहां पर उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी, उनके द्वारा भी एक डायरेक्ट जो इनोग्रेट किया गया फ्री वैक्सीन जो कि अबोव 18 को दिया जाएगा यहां पर। तो हॉस्पिटल में जैसे कि यहां पर इनके द्वारा लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, बरेली हो गया, तो यहां पर फर्स्ट फेज का 85 सेंटर पे स्टार्ट किया जा रहा है। तो अलग अलग एरिया में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो आप लोग भी अपने राज्य में देख लीजिएगा जहां पर भी आप लोग रहते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें चल रही हैं। केजरीवाल साहब के द्वारा दिल्ली के अंदर जो लॉकडाउन है वो 3 मई को था, तो कल ये समाप्त होने वाला था, अभी 10 मई तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन जो है वो बढ़ती जा रही है, क्राइसिस जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते अभी यहां पर ये स्टेप उठाया गया है। बाकी ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, कई सारे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जान जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा रोहित सरदाना, ठीक है, तो इनके बारे में सब लोगों ने डिस्कस किया कि हाँ इनकी जान चली गई, पर लेकिन ये तो चलिए एक नॉन फेस थे, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे, इनके बारे में जानते हैं। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं यार जिनको हम लोग जानते और पहचानते भी नहीं है, ठीक है, उनकी लगातार जान जा रही है। तो कोविड 19 के चलते यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उड़ीसा के अंदर 17 जर्नलिस्ट की जान चलेगी 2 महीने में। ये जो न्यूज मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, ये मैंने जाकर यहां पर सड़कों पर घूमकर आप लोगों के लिए इकट्ठे करके लाया हूं। ये सारे द हिंदू न्यूज पेपर के जो जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा ये सारी न्यूज इकट्ठी करके हमारे सामने लेकर आएगी, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं उनकी मेहनत है जो कि यहां पर हम लोग आज के दिन में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहां पर ये सारी चीजें कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये भी फ्रंट लेवल पर जाकर लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए कई बार ये गुहार लगाई जा रही है कि जर्नलिस्ट को भी फ्रंट लाइन वर्कर की कैटेगरी में इंक्लूड कर लेना चाहिए, और जो फायदे उनको दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा इंश्योरेंस वगैरह, तो वो सारी इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी इनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमको बता रहे हैं कि देश दुनिया में चल क्या रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ओके, सीबीएसई के द्वारा बोला गया कि अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो एक नया फॉर्मूला सीबीएसई के द्वारा दिया गया है एग्जाम में मार्क्स को डिसाइड करने के लिए। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसके द्वारा यहां पर यह बोला गया है कि जो कैंसिल किए गए एग्जाम उसमें मार्क्स कैसे दिए जाएं, तो अकॉर्डिंग टू जो यहां पर देखा जाएगा कि 20 मार्क्स जो दिए जाएंगे ईच जो सब्जेक्ट होगा वो होंगे बेसिकली इंटरनल असेसमेंट के बेस पर, ठीक है, और 80 जो मार्क्स दिए जाएंगे यहां पर वो कैलकुलेट किए जाएंगे जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रही थ्रू आउट द ईयर, जो भी यहां पर जितना एक तरीके से कंटिन्यूअस जो कंट्री के अंदर जो क्लासेस चल रही, ठीक है। अब ये थ्रू आउट द ईयर किसको ले रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, तो थ्रू आउट द ईयर क्या चेक करेंगे उसका मुझे आइडिया नहीं लगा। यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि पीरियोडिक जो टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, उसके बेस पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम के बेस पर 30 मार्क्स दिए जाएंगे, प्री बोर्ड के बेस पर 40 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो बोर्ड रिजल्ट जो है वो यहां पर अनाउंस करेगा 20 जून को, यानी कि अपने हिसाब से ही सबको मार्क्स मिल जाएंगे और रिजल्ट यहां पर अनाउंस कर दिया जाएगा। अब आप लोग उससे सेटिस्फाई हैं या फिर नहीं है, उसके लिए क्या प्रोविजन होगा तो वो देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए कोविड 19 अगर ऐसे इंसानों की जान लेता है तो ये देखने को मिलता है कि कोविड 19 किसी में भेदभाव नहीं कर रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई यहां पर जेल में है, कोई बेगुनाह है, सबको लपेट रहा है। अभी यहां पर ये बेसिकली आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के जो यहां पर फॉर्मर एमपी थे जो कि यहां पर जेल में बंद थे, ठीक है, तो यहां पर साहिबुद्दीन है, इनकी डेथ हो गई अभी कोविड 19 के चलते जेल के अंदर। डीआरडीओ के द्वारा एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि अप्रिशिएट करने लायक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 ऑक्सीजन प्लांट सेट करने की बात करिए दिल्ली में ताकि प्रॉपर वे में ऑक्सीजन की सप्लाई को पूर्ति की जा सके। अभी कोविड 19 में जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है ना वो है दवाई बनाने वाली कंपनी का, इनको तो ये लग रहा हो कि कोविड 19 जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोविड 19 की वजह से इनको इतना फायदा हो गया कि ये अमीरों लोगों की कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है, जो कि पहले लगता था कि हाँ ऐसा है कि ठीक है प्रॉफिट होगा पूरी साल में जितना होगा, ये उतना प्रॉफिट एक एक दिन एक एक हफ्ते में कमा रहे हैं आज के डेट में। अभी इनके द्वारा बोला गया कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग, ये विदेशों में लगाया जाएगा, हमारे लिए एक अच्छी खबर बोल सकते हैं आप लोग, हमारी कंट्री में चीजें हो रही हैं कि हमारी कंट्री में जो मैन्युफैक्चरर है वो दूसरे देशों में भी जाकर प्लांट लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों की डिपेंडेंसी हमारी कंट्री के ऊपर बढ़ेगी, ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर अब इसके प्लांट जो है बाहर भी लगाए जा रहे हैं। तो आदर्श जो पुणे वाला है यहां पर ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यहां पर जो सीरम इंस्टीट्यूट है जो कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, तो ये काफी अच्छा एक पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन जैसा माहौल है देश में उसके पॉइंट ऑफ से चीजें गलत चल रही है काफी कि दवाइयां लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ये भी एक बात है यहां पर। चलिए जो भी है, यूएसए के द्वारा फाइनल फेज जो है वो स्टार्ट कर दिया गया पुल आउट करने का जो कि अभी बात चल रही थी, तो ये एक अच्छी बात है कि यहां पर ये चीजें स्टार्ट हो रही हैं।
पर लेकिन यह कि किस तरीके से सिचुएशन छोड़कर जाएंगे वो देखना पड़ेगा। तो 11 सितंबर तक का इनका टारगेट है कि यहां पर सारी फोर्स को निकाल लिया जाएगा। तो लगभग 2500 से लेकर 3500 तक यहां पर यूएसए की फोर्स है और 7000 के करीब नेटो की, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लगभग 30 मेंबर है। ठीक है, ये वही है जिसमें यूक्रेन भी मेंबर बनने की बात कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कैसे चीज चलती है, तालिबान के ऊपर छोड़कर जाते हैं तो क्या सिचुएशन यहां पर बन पाती है। दो कंट्री यहां पर अभी शांति बनाने की बात करें, क्योंकि कोविड-19 ऑलरेडी लोग ही जान ले रहे हैं, तो आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई। यहां पर कजाकिस्तान है और दूसरा यहां पर किर्गिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान और जो यहां पर किर्गिस्तान है वो शांति बनाने की बात करें तो नीचे हो गया किर्गिस्तान और ऊपर हो गया कजाकिस्तान। यहां पर कैस्पियन सी टच करेगा, एरियल सी देख सकते हैं आप लोग, और लेक ये यहां पर बल्कस। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप लोग। आसपास में चाइना हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, रसिया। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे अगर बात करें, यहां पर WHO के द्वारा मोडरेना जो दवाई है वो अप्रूव कर दी गई है कि इमरजेंसी में यूज किया जाए, क्योंकि कम से कम लोगों की जान बचे। ठीक है, तो यहां पर एम जो आरएनए है, एमआरएनए में एम क्या है, इसको मैसेंजर बोलते हैं। ठीक है, तो उससे यहां पर कई सारी दवाइयां बनाई जा रही है, तो ये याद रखना। अर्थक्वेक अभी जापान में देखने को मिला, हमारी कंट्री में भी नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला था, तो चीजें कम रह गई हैं। कोविड-19 कभी कुछ कभी कुछ, कभी बाढ़ कभी सूखा, पर अब ये भी चलिए जो है, प्रकृति जो है वो भी समझ रही है कि किस तरीके से इंसानों को कंट्रोल में लेना है, क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर चुके हैं प्रकृति के साथ में। पेंटागन के जो चीफ है उनके द्वारा बोला गया कि न्यू विजन अमेरिका के डिफेंस के लिए, क्योंकि चाइना को भी टैगल करना है, इंडो पैसिफिक एरिया में भी काम करना है, नॉर्थ कोरिया को भी टैगल करना है। अभी किम जोंग उन जो है उनके जो चचा है डोनाल्ड ट्रंप वो तो चल गए, अब जो बाइडन फूफा आ गए उनके। ठीक है, तो जो बाइडन ने बोला है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, तो अब देखते हैं कि बराक ओबामा की फॉलो करते हैं पॉलिसी या क्या करते हैं। तो अभी शिफ्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को नॉर्थ कोरिया के साथ में डील करने में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ठीक है, तो ये बात है। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखने को मिली, यहां पर बात की जा रही है, यह है हर पेटोलॉजिस्ट, यानी कि जो सांप की स्टडी करते हैं, इनके द्वारा जो सांप का नाम है वो अपने नाम के साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो इनके द्वारा यहां पर बेसिकली जाइलोफिस दीपिका, ठीक है, DEEPAKI, ठीक है, दीपिकी, तो ये इसका सांप का नाम दिया गया है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग अपना नाम जो है वो किसी जानवर के साथ में, किसी पक्षी के साथ में आप लोग ऐड करना चाहते हैं, तो वो कौन सा होगा जिसमें आप लोग ऐड करना चाहेंगे कि मुझे इसके साथ में ऐड करना है। ठीक है, कि हाँ मुझे इसके साथ में ऐड करना है अपना नाम, तो आप लोग बताइए किसके साथ में आप लोग अपना नाम जो है वो ऐड करना चाहेंगे कि हाँ यार इसके साथ में ऐड कर मैं अपना नाम जो है वो अच्छा फील करूंगा, मोटिवेट फील करूंगा। तो देखता हूँ कौन कौन क्या क्या बातें बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। तो कैसा रहा लेक्चर, 10 में से कितनी रेट आप लोग इस लेक्चर को देंगे, इनके फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। डिसलाइक कर सकते हैं लेक्चर को आप लोग, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर पर डिसलाइक क्यों किया। ठीक है, बाकी यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाएगी, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और आप लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर देता हूं मैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, एंजॉय करते रहिए, और बताइएगा वो जरूर आप लोग की जो अप्रैल महीने की कंबाइन जो वीडियो है वो कब चाहिए, शाम को चाहिए, कल मॉर्निंग में चाहिए, या कल शाम को चाहिए। ठीक है, तो बता दीजिएगा, जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगेगा बताइएगा जरूर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।